आज हम बनाएंगे चिकन मुगलई पराठा। ये कलकत्ता की फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे बहुत ज़्यादा कलकत्ता में जो है पसंद किया जाता है, और आज हम इसे बिल्कुल उसी तरह ही बना के तैयार करेंगे घर में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे बोनलेस चिकन और इसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये 200 ग्राम चिकन है, इससे मैं सिर्फ दो पराठे ही आज बनाऊंगी। और 200 ग्राम चिकन में पराठे बहुत ही अच्छे बनके आपके तैयार हो जाएंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा, यानी कि आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, आधी छोटी चम्मच से कम अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच डालेंगे नींबू का जूस, जिससे चिकन जो है आपका बहुत जल्दी पक जाएगा और उसमें एक चटपटा फ्लेवर भी आएगा। सबको हाथ से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मसाले जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। पैन में हम लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से चारों तरफ इस तरह फैला देंगे। उसके बाद हम चिकन को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे इसी तरह कंटिन्यू हम कम से कम 10 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे हमारा चिकन जो है अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ चिकन को आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से 10 मिनट के लिए भून लिया है और इसका कलर भी जो है ये चेंज हो चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है। तो इस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही पराठे बना रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच से ये थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे नमक, जिससे आपके पराठे जो है वो क्रिस्पी बनेंगे अंदर से भी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी डालते हुए इसका हम डो लगा लेंगे। डो जो है हमें सॉफ्ट ही लगाना है, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं। तो यहाँ डो जो है हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। यहाँ पे हम बाउल में 1 अंडे को इस तरह फोड़ लेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक 1 चुटकी जितना, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो स्ट्रीट साइड में मुगलई पराठे बनते हैं, वहाँ डायरेक्ट तवे के ऊपर में ही वो अंडे डाल के प्याज धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल के उसे मिक्स कर लेते हैं, पर घर में जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। यहाँ आटा हमारा सेट हो चुका है, तो अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क के इसे इस तरह मिक्स कर रही हूँ। अब हम पराठे को थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इसे हमें पतला बेल लेना, हमें इसे चपाती से भी पतला ही बेलना है। तो यहाँ पे पराठे को जो है हमने अच्छे से इस तरह बेल लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना पतला बेला है। और बीच में ये अंडे वाले घोल को हम इस तरह डाल देंगे और इसे थोड़ा सा बीच में फैला देंगे। और इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस को भी डाल देंगे। जो स्ट्रीट साइड में बनती है, वहाँ पे चिकन की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम रहती है और चिकन के पीसेस बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं। पर आप घर में बनाए तो इस तरह बनाएंगे तो वो आपको स्ट्रीट से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। और इसे हम इस तरह अच्छे से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पैन में हम ले लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। और ये जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम पराठे को अच्छे से इस तरह डाल देंगे। इसमें बहुत कम तेल लगता है। थोड़ी देर पकने के बाद में हम इसे इस तरह फैला देंगे और इसे आराम से पलट लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, जिससे हमारा अंडा जो है और हमारा मैदे का परत भी जो है अच्छे से पके और क्रिस्पी बने। तो यहाँ दोनों तरफ से हमें इसी तरह पलटाते हुए अच्छे से पका लेना है, और जब अच्छे से पक जाए तो इसे इस तरह साइड में करके हम थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह हमें इसे खड़े करके रख देना है। तो यहाँ पराठा जो है तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। आज हम बिल्कुल जिस तरह स्ट्रीट में जो है पराठे सर्व किए जाते हैं, उसी तरह आज हम बिल्कुल इसे सर्व करेंगे। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और उसके ऊपर मैं यहाँ पे टोमेटो केचप को इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर इस तरह सजा दे रही हूँ, और थोड़े से मायोनीज को भी। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्ट्रीट के जैसा मुगलई चिकन पराठा बन के तैयार हो चुका है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय बाय।